आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक जेनेरिक सी डिस्कशन करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी कोर्स पढ़ा है, ठीक है, उस कोर्स के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ज़्यादा थ्योरी कम है और प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। मतलब हम हर क्लास के अंदर डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं और उसके अंदर काम करते हैं, तो इसका मतलब ये कि जो मेरा काम है, यानी जो पेपर होंगे या क्विज या असाइनमेंट्स भी आप लोग देख लें अपनी, आपकी जो है असाइनमेंट्स भी जो है वो कोडिंग बेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप असाइनमेंट कर लेते हो, आप कोडिंग कर ले, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। और ये बात याद रखना सर, मोहसिन सारी का थ्योरी का पेपर भी कोडिंग बेस्ड होता है, ठीक है, उनके पेपर के अंदर भी कोडिंग आती है। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पेपर चेक करवाऊंगा इंशाल्लाह मिट के बाद, जब फिजिकली हम मिलेंगे। मैंने रेस्टोरेंट पे भी बात की हुई है कज़न से, आप अलाउ कर रहे हैं वो मुझे, आज से मेरे हाथ से रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं। हम एक दिन चूज़ कर लेंगे जिसमें सारे क्लास फेलोज जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे रेस्टोरेंट में मेरे, और जिसका जितना भी इशू होगा ना कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने का, इंशाल्लाह हम उसको क्लियर कर लेंगे, ताकि ये मसला ना हो किसी का कि जी मेरी क्लास थी या ये सिस्टम था तो मैं नहीं अटेंड कर पाया, ठीक है। आज जो हम लोग बात करने लगे हैं वो करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। देखो, लव स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट, एक जगह चीज़। स्टैटिक का मतलब है रुक जाना किसी एक जगह के ऊपर, ठीक है। तो अब मुझे पहले बताएं, स्लाइड सबको नज़र आ रही है? ये नो स्लाइड्स ही ना नज़र आ रही हैं, ठीक 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 जी जी, ज़रूर सारे मिलके पैसे डालेंगे तो फिर दावत हो जाएगी। अच्छा जी, तो स्टैटिक वेरिएबल, देखो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या चीज़ होती है। मैं साथ पेंट भी ओपन करूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास के अंदर अंडरस्टैंड किया कि आप लोग पेंट पे या वाइट बोर्ड बेस्ड चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। तो मैं जो अभी बता रहा हूँ स्टैटिक वेरिएबल का, तो सपोज़ करो कि मैंने लिखा है इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल है आई, जिसके अंदर मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, ज़ीरो स्टोर करवा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आएगा, लेक्चर को गौर से अंडरस्टैंड करना है ये, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ज़ीरो बेसिकली मेरा एक वेरिएबल है। अगर मैं प्रोग्रामिंग कोड के अंदर जाके स्टैटिक एंड आई इज इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ, तो ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। देखो, वेरिएबल आई था, जब इसके साथ मैंने कीवर्ड स्टैटिक लगाया तो ये स्टैटिक हो गया। अब स्टैटिक हम यूज़ क्यों करते हैं? स्टैटिक हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोगों को चीज़ें प्री डिफाइंड करनी पड़ जाएँ। एक मिनट जस्ट रुकिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या चीज़ होती है, इसका काम क्या होता है, ये क्यों हम यूज़ करते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी हम एक वेरिएबल बनाते थे जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाते थे प्रोग्राम में, तो हम लोग स्टैटिक क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं वापस स्लाइड्स की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल का, स्टैटिक इज़ यूज़ एज द की वर्ड इन द फंक्शन और द क्लास, ठीक है। कि जो स्टैटिक का जो एक की वर्ड है वो बेसिकली किसी फंक्शन में इस्तेमाल हो सकता है, किसी वेरिएबल में इस्तेमाल हो सकता है, या वो किसी क्लास में इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ रहे होते हैं तो फिर हम लोग इसको फंक्शन या फिर वेरिएबल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्पेशलिटी यही है कि हम लोग क्लासेस बनाते हैं इसके अंदर, दैट इज़ द रीज़न वी आर गोइंग टू यूज स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन इन अवर क्लासेस, ठीक है। अच्छा जी, वेरिएबल जो होता है वो अवेलेबल होता है किसी भी फंक्शन के थ्रू, ठीक है। कि हम फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस जो लाइन लिखी हुई है ये मैंने वेरिएबल बनाया था इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, और मैं इसके बाद क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ मिसाल के तौर पर डिस्प्ले, ठीक है। ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन के बाद मैंने लिख दिया सी आउट आई, ठीक है। तो ये देखे मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है लेकिन उसको इस्तेमाल किधर किया, मैंने फंक्शन के अंदर आके, और यही चीज़ इधर लिखी हुई है कि जो वेरिएबल होता है आप बनाते तो कहीं और हो, लेकिन अवेलेबल किधर होता है, कॉल किधर करते हो, उसको आप फंक्शन में करते हो, ठीक है। अब स्टैटिक तब यूज़ होता है जब हमने किसी चीज़ को काउंट करना हो, हमने देखना हो कि फलानी चीज़ या फलाना जो सेक्शन है वो कितनी बार जो है हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्टिवेट हुआ है। मिसाल के तौर पर हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ये छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशनल प्रोग्राम है, मैं अगर आप लोगों से ये पेपर में पूछ लूँ या ये मैं पूछूँ कि फलाना फंक्शन जो है प्रोग्राम में कितनी बार कॉल हो रहा है और मुझे इसकी आउटपुट कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करें,
तो ये एक ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग बाय यूजिंग स्टैटिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। किसी भी फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर ही बता देना रन टाइम पे कि ये इतनी बार रन हो रहा है, उसको हम लोग सिंपली अगर हम लफ्जों में बोलें तो हम उसको स्टैटिक फंक्शन बोलते हैं या स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। अगर वो वेरिएबल कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है तो वो स्टैटिक वेरिएबल, अगर वो फंक्शन कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है तो वो स्टैटिक फंक्शन। ये चीज क्लियर हुई है यहां तक मुझे प्लीज बताएं, फिर हम आगे जरा कोड पे चलते हैं। प्लीज थोड़ा जल्दी, मतलब नहीं समझ आई? एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखें, हम लोगों ने ये बोला था कि ये मेरे पास जो है वो int i is equal to 0, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और उसको वैल्यू दे दी 0। ये तो हम सब लोगों को पता है, हम PF में पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर ये लिख देता हूँ static i is equal to 0, ठीक है। तो ये जब मैं किसी चीज़ के साथ स्टैटिक लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्टैटिक कर देगी, ठीक है। तो वो उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगी, स्टैटिक कर देगी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि फलाना वेरिएबल या फलाना, मिसाल के तौर पर अभी तो हमने वेरिएबल बनाया, आगे जब इसी कोड के अंदर जब हम आगे जाएंगे तो हम स्टैटिक फंक्शन भी लिखेंगे, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर फंक्शन है। तो अभी हमारा सवाल ये पैदा होता है दैट वाई वी आर गोइंग टू यूज स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन। सपोज करें मैं पेपर में या प्रोग्राम में हमारे पास एक ऐसी क्यूरी आती है कि राइट अ प्रोग्राम इन विच यू रन डिस्प्ले फंक्शन, जो क्या करे, फंक्शन एक ऐसा फंक्शन बनाए जो एक किसी चीज़ को डिस्प्ले करवा रहा हो, लेकिन विच ऑल्सो टेल अस How many times the function run? यानी ब्लैक स्क्रीन जो आपके पास आती है रन होते हुए, वहाँ पर यह भी लिखा हुआ आए कि वो जो प्रोग्राम है या जो फंक्शन है डिस्प्ले का, वो कितनी बार रन हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने int main के बाद जाकर एक बार डिस्प्ले का फंक्शन लगाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक बार हो गया। फिर मैं अगर दूसरी बार डिस्प्ले का फंक्शन लगाता हूँ चलाने के लिए, दो बार हो गया। ये मैं तीसरी बार चलाता हूँ तो क्या हो गया, ये तीसरी बार हो गया। यही बात है ना, हम लोग तीन बार, लेकिन आज तक कंपाइलर को हमें कैसे पता चलेगा ये फंक्शन कितनी बार चल रहा है। स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन को यूज़ करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो जब हमारी आउटपुट स्क्रीन आया करेगी तो आउटपुट स्क्रीन के अंदर ये चीज़ लिखी होगी कि आपका फलाना फंक्शन जो है या फलाना वेरिएबल जो है वो तीन बार इस प्रोग्राम के अंदर चल रहा है। अब ये चीज़ क्लियर हुई है? निम्रा, ओके, गुड हो गया, गुड हो गया, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि जब हम इसको प्रोग्रामिंग कोड में लेकर आते हैं तो किस तरह करते हैं। मैं इसके साथ जो है वो डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ और ये मछली बेचने वाला भी आ गया भाई, चलो अवॉइड करना। दे में डेफ सी प्लस प्लस ओपन होता है, उसको ओपन होने दें। चलिए जी, डेफ सी प्लस प्लस ओपन हो गया, हम डेफ सी प्लस प्लस पे जाते हैं और अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। रादर देन के मैं दोबारा से पूरा कोड करूं, मैं क्या करता हूं, मैं फाइल पे जाऊंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, ठीक है, और प्रोजेक्ट पे जाकर लिखूंगा ये कंसोल एप्लीकेशन, यानी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर चलाना चाहता हूँ मैं, और प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि हम पहले स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
एंटर ओके किया मैंने, और ये देखना ऑटोमेटिकली उसने बोला कि सेव किधर करना है। मैंने कहा भाई डेस्कटॉप पे सेव कर दो, और ये देखे कोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। मैं सबसे पहले ये जो कमेंट वाली लाइन है इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुछ कोड जो आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट लिखना होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम क्या करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस लिख देते हैं, STD लिख देते हैं, ओ सॉरी, और ये सेमी कोलन लगा देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। अभी जो हम सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, स्टैटिक का काम करेंगे, वो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है विदाउट यूजिंग क्लासेस करेंगे, ताकि आपको एटलीस्ट समझ लग जाए कि जो हम लोग स्टैटिक का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके लिए मैं इंट मेन पे आया हूँ, और इंट मेन पे आने के बाद मैंने क्या किया है, मैं डिस्प्ले का एक फंक्शन लगा रहा हूँ, सेमी कोलन लगाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न जीरो कर दूंगा। ये हम लोग फंक्शन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ चुके हैं कि ये मैंने फंक्शन को क्या किया है, ये कॉलिंग की है, मैं लगा देता हूँ इस पर कमेंट, ये मैंने क्या किया है, फंक्शन कॉलिंग की है। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ, और वो डेफिनेशन कितना लिखते थे हम लोग रिटर्न जीरो के बाद, यानी इस ब्रैकेट से बाहर आके क्या करते थे। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ void डिस्प्ले, ठीक है, और यहाँ पर लगाऊंगा ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ अब जो चीज़ मैंने इस्तेमाल करनी थी, मैं लिखता हूँ स्टैटिक एंड काउंटर, मैंने नाम लिया, ये वेरिएबल का नाम है काउंटर, ठीक है, और मैं क्या कर देता हूँ, इसको ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, ये वेल एंड गुड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट, देखो ये रिटर्निंग वैल्यू नहीं है जो इधर वापस की जाएगी, तो जो कुछ करना है मुझे इसी के अंदर करना है। सी आउट फंक्शन ऑफ डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले रन्स ठीक है। अच्छा जी, अब एक देखें, बेसिकली जो ये काउंटर होगा ये चीज़ होगी जो ये बताएगी कि ये फंक्शन जो है कितनी बार चल रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंटर, ठीक है, और साथ लिख देता हूँ टाइम्स, ये टाइम्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ डिस्प्ले रन्स 1 या 2 या 3 और उसके बाद टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये टाइम्स इसलिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ लगती तो मैं लिख देता हूँ रन्स एट दिस टाइम, यानी इतनी बार जो है वो चीज़ चली है, और उसके बाद मुझे आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ एंडल कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे 2-3 बार फंक्शन को कॉल करना पड़ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज़ है कि अब हम जर्नल एग्जीक्यूशन करते हैं, हम लोगों ने ये क्या चीज़ की है, हम लोगों ने फंक्शन डेफिनेशन किया, ठीक है। अच्छा, फंक्शन कॉलिंग भी की, डेफिनेशन भी की, तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी तो हमने करनी थी ना। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी बड़ी आसान सी चीज़ है, क्या होता है void डिस्प्ले, यानी वही चीज़ जो हम पहले लिखते होते थे, सॉरी डिस्प्ले और ब्रैकेट डाल दी और सेमी कोलन लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या चीज़ होगी। अब हम जर्नल एग्जीक्यूशन देखते हैं पहले, उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं, बल्कि प्रोग्राम को पहले रन कर लेते हैं, लेट वी रन द प्रोग्राम फर्स्ट। वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है फाइल, चलिए मैं मेन वन लिख देता हूँ, ठीक है, लेट द प्रोग्राम रन कम्प्लीटली, प्रोग्राम को रन होने दें, इतनी देर में जो ये जनाब साहब आए इनको ऐड कर लेते हैं। तो मैंने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ और आंसर आना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको साथ ही एग्जीक्यूशन करके बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि स्टैटिक यूज क्यों किया जाता है। अच्छा, मेरी पोस्टरीज में कोई इशू है भाई, मेरी पोस्टरी नहीं चल रही मेरी, आई थिंक सो कोई एरर है, लिखा तो मैंने सब कुछ सही है वैसे, इसके अंदर एरर तो नहीं होना चाहिए कुछ। काउंटर के साथ प्लस प्लस लिख के देखता हूँ क्योंकि वो सिंगल का रहा है इसलिए।
वो लाइब्रेरी को लिंक नहीं कर रहा मेरा डेव सी प्लस प्लस। इसकी वजह से अगर होता तो एरर आता, बट चले। ना चला तो मैं आपको जेनेरिक एग्जीक्यूशन करके दिखा दूंगा और फिर मैं डेव सी प्लस प्लस री इंस्टॉल कर दूंगा। देखो अब लिंक करने में एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते। मेरा कोई लिंकेज का एरर आ रहा है तो मैं, जिसकी वजह से इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो मैं आप लोगों को इधर एग्जीक्यूशन करके बताता हूँ कि यहाँ पर वो चीज़ कैसे रन होगी। ठीक है, तो ये हमारा कंपाइलर था और कंपाइलर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि ये कोड जो है इसको उठा के पिक कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जब कंपाइलर आएगा वो आएगा मेन फंक्शन के ऊपर। वो मेन फंक्शन पे आएगा तो वो देखेगा कि एक डिस्प्ले का फंक्शन लगाया गया है यहाँ पे। वो डिस्प्ले के फंक्शन में जाएगा, उसकी प्रोटोटाइपिंग चेक करेगा। ओके फाइन, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मुकम्मल है। वो वापस आएगा और मेन फंक्शन के बाहर आके चेक करेगा कि डिस्प्ले का फंक्शन कौन सा है। वो डिस्प्ले का फंक्शन देखेगा तो ये डिस्प्ले का फंक्शन लगा हुआ। ठीक है, उसमें जब वो जैसी कीवर्ड स्टैटिक देखेगा उसको पता चल जाएगा कि अब ऐसी कोई चीज़ है जिसको कोई चीज़ काउंट करने लगाऊँ मैं। ठीक है, तो स्टैटिक इंट काउंटर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आउटपुट आएगी वो आएगी मिसाल के तौर पर काउंटर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ज़ीरो हो गई। ठीक है, सॉरी मैंने ओ लिख दिया, ज़ीरो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, ये चीज़ थी। तो यहाँ पर लाइन जो लिखी हुई आएगी वो ये होगी। मेरे पास टाइम थोड़ा, वरना मैं डेव सी प्लस पर सब भी री इंस्टॉल कर देता। पर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रोग्राम रन भी करके दिखाऊंगा। तो लिखा हुआ आएगा फंक्शन ऑफ डिस्प्ले रन एट दिस टाइम ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन डिस्प्ले कितनी बार कॉल किया हुआ है, एक बार कॉल किया। तो काउंटर कितनी बार चलेगा, देखो ज़ीरो थी वैल्यू, और जब यहाँ पर आएगा तो प्लस प्लस काउंटर, तो ज़ीरो प्लस वन कितना हो गया, वन हो गया। प्लस प्लस का मतलब वन होता है, एक प्लस कर देना उसके अंदर। तो ज़ीरो प्लस वन कितना हो गया, वन। तो यहाँ पर आंसर आएगा वन, पहली बार वन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा दूँ, मुझे बताएं अब क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पर। यहाँ पे सी आउट जब हम करेंगे, सी आउट तो एक ही बार करेंगे क्योंकि फंक्शन के अंदर तो सी आउट हुआ हुआ है। दूसरी लाइन क्या लिखी हुई आएगी, शाबाश। ज़ेबोनिसा टू मुकद्दस टू, वेरी गुड। इसका मतलब समझ लग रही है सब लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, टू लिखा हुआ आ जाएगा। अब लेट सपोज कि मैं अगर तीसरी बार फिर फंक्शन कॉल करूँ, ठीक है, तो अब क्या वैल्यू लिखी हुई आएगी मुझे आउटपुट पे, शाबाश मुझे बताएं। थ्री लिखी हुई आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आउट में जो वैल्यू आएगी थ्री आएगी। आप लोग अपने घर पे बैठ के इस प्रोग्राम को रन कीजिएगा, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक ही रन होता है। मुझे नहीं पता कंपाइलर का इशू चल रहा कोई। ठीक है, तो तीसरी बार जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई आएगी वो होगी थ्री। ठीक है, अच्छा चलें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, आप लोगों को देखता हूँ कि आप लोग कितना अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं काउंटर प्लस फोर कर दूं तो पहली बार क्या आंसर आएगा मेरे पास, अच्छा ज़ेबुनिसा कह रही फोर आंसर आएगा, अरुण कह रहा है फाइव आएगा, गुलशन फाइव, तैयबा फाइव। अच्छा, मुझे सबसे पहले चीज़ बताओ, सबसे पहले काउंटर की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो। काउंटर प्लस फोर कितना हो गया, ज़ीरो प्लस फोर क्या हो गया, फोर। तो पहली बार आंसर जो है वो फोर आएगा ना, दूसरी बार फिर एट आएगा, फिर तीसरी बार ट्वेल्व आएगा, फाइव। तो तब इस सूरत में होता अगर काउंटर के अंदर पहले से वन पड़ा होता तो। हम प्रोग्राम दोबारा से शुरू कर रहे हैं ना, लास्ट स्टेप में शो कर रहा है, सी आउट में नहीं, सी आउट में नहीं शो कर सकता, वही देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चलो अगर आप कहते हो तो मैं ये भी करके देख लेता हूँ, मैं भी शायद आप ठीक कह रहे हो, इंसान है सारे यहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि काउंटर प्लस प्लस करने से ऐसा कुछ होता है, एरर तो फिर भी वही होगा।
ओ चल गया। ये देखिए मैं ज़रा एंडल कर देता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे काउंटर अलग ही प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस काउंटर कर देता हूँ और सेमी कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं रन करता हूँ इसे। थैंक यू शुएब। प्रोग्राम रन होता है, अभी हम एग्जीक्यूशन चेक कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ये देखें अभी क्योंकि आपको को लाइनें मिक्स हो रही हैं ना, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया है, मैं एंडल लगा लेता हूँ। कंट्रोल एस किया, मैंने प्रोग्राम रन किया। देखिए जी प्लस प्लस काउंटर था तो कितनी बार हमारे पास लिखा हुआ आना चाहिए, कितनी बार फंक्शन कॉल हो रहा है, एक दो तीन। और प्लस प्लस है पहली वैल्यू क्या, जीरो, तो इसका मतलब पहला एक, दूसरा दो, तीसरा तीन, तीन बार मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए फंक्शन डिस्प्ले एट दिस टाइम। ये देखें एक दो और तीन, तीन बार लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा था कि हम ऐसा करते हैं कि काउंटर प्लस फोर कर देते हैं, उससे देखते हैं क्या होता है। सेमी कॉलन सही, अच्छा रन करता हूँ उसको। सो ऑल इन ऑल हमारे कहने का मतलब ये था कि स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम लोग ये काउंट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि फलाना वेरिएबल या फलाना जो हमारा फंक्शन है वो हमारा जो है वो कितनी बार एक प्रोग्राम के अंदर कॉल या डिस्प्ले हो रहा है। ये देखें फोर टाइम्स, अच्छा क्योंकि वो वैल्यू नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि काउंटर की वैल्यू जो है ना यहाँ पर सी आउट करवाता हूँ ताकि आप लोगों को, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि काउंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो उसको प्रिंट करवाएगा। लेट्स सी नाउ, अगर काउंटर किया तो इसका मतलब है कि काउंटर प्लस फोर, तो इसका मतलब फोर एट और ट्वेल्व आने आना चाहिए आंसर मेरा। क्या वो काउंटर प्लस फोर को पिक नहीं कर आ गया, क्योंकि तीनों टाइम आंसर जीरो 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 आ रहा है। हाँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार जब फंक्शन कॉल किया तो वैल्यू ज़ीरो थी, उसके अंदर प्लस फोर तो फिर भी होना चाहिए था। आई थिंक सो काउंटर प्लस फोर को वो पिक नहीं कर रहा, उसे सिंपल काउंटर प्लस प्लस काउंटर को पिक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस प्लस ही लिखेंगे, यानी जो हम लोगों ने पहले प्रोग्राम किया था। तो मेन एग्जीक्यूशन पे आते हैं, मेन एग्जीक्यूशन पे आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो हमारा कितनी बार जो है वो रन हो रहा है। थोड़ा सा मूव करते हैं नेक्स्ट पे और हम देखते हैं कि चलें जी अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे वो तो हम लोग कर रहे थे नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर, बट डेफिनेटली वी आर वर्किंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो हम लोग ऊप का जो सिस्टम है उसको, या स्टैटिक जो ऊप होती है, स्टैटिक जो फंक्शन है वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो अभी जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे वो बेसिकली ऊप के मेथड से होगा, जिसमें हम लोग क्लासेस बनाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसको सेट करेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इसी प्रोग्राम के अंदर अमेंडमेंट्स करूँगा ताकि हमें इतना टाइम ना लगे। मैं सबसे पहले जो डिस्प्ले का जो फंक्शन है इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब जो है मैं वो क्लासेस का मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो क्लासेस के मेथड के अंदर फंक्शन प्रोटोटाइपिंग नहीं होती। ये चीज़ भी ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, रिटर्न ज़ीरो, और उसके बाद जो है मैं ये चीज़ भी ख़त्म कर दूँगा। तो ये मेरा प्रोग्राम दोबारा उसी तरीके से आ गया जिस तरह वो होता था। देखिए सबसे पहले अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ जिसमें पता चले कि इसमें कितने इंसान जो है वो इन्वॉल्व हैं, कितने लोग हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ ह्यूमन के नाम से, ठीक है। ह्यूमन के नाम से क्लास बनाई, मेरे हाथ से बाबे को ये पता होना चाहिए कि क्लास कैसे बनती है। ब्रैकेट लगाई मैंने, ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने क्या किया, लिखा पब्लिक कॉलन डाला, और पब्लिक कॉलन डालने के बाद मैंने लिखा स्टैटिक इंट ह्यूमन अंडरस्कोर काउंट, ठीक है। और उसके साथ क्या डाल दिया मैंने, सेमी कॉलन डाल दिया। ये बेसिकली मैंने वही तरीका किया जो नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर मैं स्टैटिक का फंक्शन, सॉरी स्टैटिक का वेरिएबल इनिशियलाइज कराता होता था, ठीक है। तो मैंने इसमें भी ये काम किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास से बाहर आ जाता हूँ क्योंकि मुझे अब इसके अंदर और कोई काम नहीं करना। अच्छा, क्लास के बाहर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इंट ह्यूमन, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने इसको इनिशियलाइज भी तो करना है। अच्छा जी, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ,
आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने फंक्शन बनाया है, सॉरी फंक्शन नहीं, जो मैंने स्टैटिक वेरिएबल लिया है, इसको मैं लिंक करने लगा हूँ इसके, इसको मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं इनिशियलाइज करने लगा हूँ, लिंक करने लगा हूँ ज़ीरो के साथ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ह्यूमन, पहले इसको देख ले तो उसके बाद आप इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ह्यूमन अंडरस्कोर काउंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अभी इस लाइन को हम निगलेक्ट कर देते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंट मेन प्रोग्राम पे आता हूँ। इंट मेन पहले यहाँ से, सॉरी मेन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा और ये मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि क्लास जो होती है हमेशा वो मेन फंक्शन से पहले इस्तेमाल होती है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंटर मार के यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट ह्यूमन, फिर डबल कोट्स और फिर इंट ह्यूमन काउंट, यानी जो चीज़ पहले से आ गई है, सेमी कॉलन। पहले इसकी एग्जीक्यूशन देख लें, फिर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर देंगे कि ये क्या हो रहा है। मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा कुछ आंसर आता भी है या नहीं आता। एरर आएगा मेरा, क्योंकि मैंने एसटीडी के ऊपर दो सेमी कॉलन्स लगाए हैं। फिर ऑब्जेक्ट के साथ लिंक क्रिएट करने में इशू है। जबकि ये प्रोग्राम मैंने मेरे हाथ से रात को ही किए हैं, ये देखें। अब मैं ज़रा इसकी एग्जीक्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। देखें, जब भी प्रोग्राम आएगा वो हमेशा, जब भी क्लासेस का मेथड होगा तो उसके अंदर वो मेन फंक्शन में आएगा, वो देखेगा कि सी आउट किया हुआ हमने ह्यूमन को, इसका मतलब ह्यूमन नाम की कोई क्लास है। अभी आप लोग सारे बड़े हैरान हो रहे होंगे कि हम लोगों ने इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम अभी आगे क्रिएट करेंगे, ये भी इसका पार्ट वन है। सिर्फ समझाने के लिए इसकी एग्जीक्यूशन क्या है आसानी से, इसलिए हम लोग जो है वो कर रहे हैं। तो अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला इंट ह्यूमन, यानी ह्यूमन की जो क्लास थी उसको लिंक करो ह्यूमन काउंट के साथ, और ह्यूमन काउंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, ठीक है। और इसी तरह मैंने सी आउट की इधर करवा दिया ह्यूमन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब होता है उस जगह चले जाओ, और ह्यूमन अंडरस्कोर काउंट, ह्यूमन अंडरस्कोर काउंट क्या था, ज़ीरो। तो इसलिए अगर आप देखें तो सी आउट जो है यहाँ पे आंसर जो है वो ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा है। अब हम चलते हैं, इसी प्रोग्राम को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। मैं आपको पहले स्लाइड दिखा देता हूँ, स्लाइड के अंदर एक कोड मौजूद है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊब के मेथड से करते हैं, कि अगर हम इसको ऊब के मेथड से करें तो प्रॉपर जिसमें हम लोग क्लासेस लेंगे और बाकी सब काम करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम करते हैं ये है कि मैं इसी प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म करता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम मेरा कम कंज्यूम हो। मैं पब्लिक स्टैटिक को ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और इसी तरह मेन प्रोग्राम से इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ताकि मैं सारे बेसिकली मैंने क्या चीज़ रहने दी, मैंने क्लास ह्यूमन, उसके अंदर पब्लिक के अंदर जाके मैंने क्या किया, मैंने स्टैटिक इंट ह्यूमन अंडरस्कोर काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम मैंने क्या करना, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। मैं लिखता हूँ ह्यूमन, यानी क्लास का नाम है, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट जो इसका क्लास का एक तरीका होता था, सॉरी कंस्ट्रक्टर का, और मैं ये कह देता हूँ कि ह्यूमन अंडरस्कोर काउंट प्लस प्लस, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, जो ह्यूमन अंडरस्कोर, अच्छा ह्यूमन अंडरस्कोर काउंट को भी ना मैं ऐसा करता हूँ काउंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो मैंने ऊपर क्या किया, मैंने काउंट का एक वेरिएबल बनाया पब्लिक के अंदर स्टैटिक यूज़ करके, ठीक है, और मैंने ये बोला कि ह्यूमन की एक क्लास बनाओ जिसके अंदर जब भी वो कॉल हो तो काउंट क्या हो जाए, प्लस प्लस हो जाए। तो अगर मिसाल के तौर पर काउंट के अंदर वैल्यू ज़ीरो पड़ी है तो प्लस प्लस होगी तो वो वन हो जाएगी, ठीक है। और अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर काम करने से पहले मैं मेन फंक्शन पर आके काम कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इंट ह्यूमन डबल कोट, ठीक है, और वही चीज़ जो मैंने पिछले मतलब मैं रिपीट की थी वही मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ह्यूमन अंडरस्कोर
ह्यूमन अंडर स्कोर काउंट तो नहीं होगा क्योंकि मैंने ख़त्म कर दिया ह्यूमन काउंट, ठीक है, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 0, ठीक है, सेमी कॉलन लगा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ह्यूमन की क्लास बनी है इसके अंदर जो काउंट है उसको किस साथ इनिशियलाइज़ कर दो, 0 के साथ इनिशियलाइज़ कर दो, ठीक है। लेकिन ये जो है वो मेन फंक्शन के पहले आता है, बाद में तो नहीं आता। आप पहले भी कर सकते हो लेकिन मेन फंक्शन से आप पहले कर दो तो सो फॉर बेटर है। यहाँ पर ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, काउंटर को काउंट को 0 के साथ इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ यहाँ पर अपने मेन प्रोग्राम में आके सी आउट, क्योंकि अब मैंने बेसिकली ये चेक करना है कि कितनी बार वो चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मैंने बोला सी आउट क्या कर दो ह्यूमन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और क्या कर दो काउंट को बता दो कि कितना मेरे पास है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ साथ इसको एंडल भी कर देता हूँ क्योंकि हम 3-4 बार हो सकता है इसको कॉल करें, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले अभी तक हम लोगों ने प्रोग्राम में जस्ट ये किया है कि हम लोगों ने सबसे पहले काउंट को 0 के साथ इनिशियलाइज़ किया, क्लास के अंदर बताया कि जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कॉल के अंदर प्लस प्लस हो जाएगा, और पहली बार सी आउट मैंने क्या करवा दिया ह्यूमन काउंट यानी जो भी है। तो इसका मतलब जो भी मेरा पहला आंसर होगा उसका आंसर आएगा 0, 0 आएगा, हाँ 0 या 1 आएगा, अभी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम लोग जो है वो क्लासेस क्रिएट, सॉरी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते थे, क्लास का नेम क्या था, ह्यूमन, और मैं अपना नाम लिख देता हूँ पहले, चले इसे ही कर लेते हैं। उसके बाद एक और ह्यूमन लेते हैं सैफ के नाम से, सैफ ऐसे ह्यूमन है, हाँ है। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन राशिद हो गया, ये बेसिकली मैं बैठा काम कर रहा था तो मुझे इन्हीं लोगों के नाम याद आ रहे थे उस टाइम। और ह्यूमन अफजल बेसिकली मेरे चाचू का नेम है, अफजल या अफजाल जो भी है, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने लिंक भी तो करना है। मैं पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जो मैंने बनाया था जिशान डॉट, मैंने फंक्शन कौन सा कॉल करना है इसके अंदर, ह्यूमन। अच्छा, मैंने वो फंक्शन बनाया ही नहीं अभी, मैं पहले लिख देता हूँ, तो उसके बाद पहले मैं ऊपर फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम लोगों को क्लास के बाहर आके यहाँ पर, ठीक है, जहाँ क्लास ख़त्म हो रही है, क्लास इधर तो नहीं ख़त्म हो रही, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एंड हो रहा है मेरा, हाँ, इस क्लास के अंदर ही, मतलब फंक्शन के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे जो बेसिकली डिस्प्ले करवाएगा कि इसके अंदर टोटल कितने बंदे मौजूद हैं, ह्यूमन मौजूद है। मैं लिखता हूँ void ह्यूमन टोटल, ठीक है, ये मेरा बेसिकली फंक्शन का नेम है। ब्रैकेट डाली, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट की, और फिर मैंने डायरेक्ट सी आउट करवा दिया, सी आउट देयर आर, और वैल्यू किस में पड़ी हुई थी, काउंट के अंदर, काउंट 1, 2, 3, 4 हो रहा है ना, तो देयर आर काउंट, ठीक है, और फिर सॉरी ये ब्रैकेट आके कंटिन्यू रहेगी, काउंट पीपल आर इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे एंडल भी लगा देता हूँ ताकि बाद में मसला ना क्रिएट हो जब 3-4 लाइनें हो, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, बेसिकली एक फंक्शन बनाया है जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले कराऊँगा कि इतने लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, हम लोग कहता हूँ जिशान यानी जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसको लिंक करो किसके साथ, ह्यूमन टोटल के साथ, ही देखो आ गया ऑप्शन, और साथ ही मैंने क्या कर दिया, सेमी कॉलन डाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब जब मैंने जिशान को इसके साथ लिंक किया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ह्यूमन टोटल वाला जो फंक्शन है ये हमारा रन होगा, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें डिस्प्ले तो काउंट का इधर से करवाना है, तो हम क्या करते हैं सी आउट, ये लाइन में दोबारा बेसिकली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठहरे। तो अब जब हमारे पास ह्यूमन आएगा, सॉरी, तो अब मिसाल के तौर पे जो हमारे पास पहले आंसर 0 था, तो अब शायद आंसर हमारा आएगा 1 आएगा, ठीक है। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और अभी ज़रा रन करता हूँ, इसे देखता हूँ कि कितने एरर्स आते हैं। जब ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम करो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आपको इस चीज़ का डर होता है कि पता नहीं कितने एरर्स आएंगे।
भाई साहब ये तो एरर पे एरर ही दे रहा है मुझे आज, और वो भी लिंकिंग का ही एरर दे रहा है हमेशा। ह्यूमन टोटल देखो मैंने सही लिखा हुआ है, ह्यूमन टोटल ही है, काउंट के स्पेलिंग सही लिखे हुए हैं, काउंट ही है यहाँ पर, नाम जिशान सही लिखा हुआ है मैंने, ह्यूमन ऊपर क्लास का नेम भी ह्यूमन ही है। देन आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर एरर होना चाहिए था, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पहली किस जगह एरर हो सकता है, मैंने ब्रैकेट का तो नहीं कहीं इशू किया हुआ। आई थिंक सो तो सब कुछ ठीक है, इसको रन होना चाहिए, कंपाइलर में लिंकिंग का इशू दे रहा है बार बार। यहाँ पर जब आएगा हमारा आंसर जीरो आएगा पहली बार जब प्रिंट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए उसने, ठीक है, जब पहली बार ऑब्जेक्ट को लिंक किया ह्यूमन टोटल के साथ तो आंसर आएगा देयर आर वन पीपल इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ सैफ डॉट, अब वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा वरना मैं दिखा करके दिखाता हूँ आपको, सैफ डॉट ह्यूमन टोटल करना था मैंने, सॉरी डॉट ह्यूमन टोटल करूँगा तो वो क्या होगा दूसरी बार फिर रन करेगा, पहली बार क्या आंसर था वन, दूसरी बार क्या प्लस प्लस हो गया आंसर आ जाएगा टू। किस तरह आंसर सी आउट करवाएंगे हम, यहाँ पर सी आउट करवाएंगे, सी आउट ह्यूमन और इसको कॉट करके, अगर आप इसको ख़त्म भी करते तो तब भी आंसर वही आता है क्योंकि हमारा सी आउट तो इधर हो रहा है, तो इधर सी आउट अगर नहीं भी होता तो नॉट अ बिग डील, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जब तीसरी बार करूँगा राशिद डॉट और ह्यूमन टोटल हो गया सेमी कॉलन लगा दूंगा तो तीसरी बार जब प्लस प्लस होगा तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास थ्री आ जाएगा। तो ये जो जेनेरिक मेथड्स होते हैं इसके थ्रू बेसिकली हम ये बता सकते हैं कि एक पार्टिकुलर फंक्शन या एक पार्टिकुलर वेरिएबल जो है हमारे प्रोग्राम में कैसे रन हो रहा है, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना जस्ट, को प्रोग्राम मैंने रन किया था पर डोंट नो ये लिंकिंग का एरर क्यों दे रहा है बार बार मुझे, ब्रैकेट्स भी ठीक लगाई हुई है मैंने और, पर मैं इसकी एनालिसिस करूंगा रात को घर पे बैठ के, उसके बाद अगर कोई एरर हुआ तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। तो अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते ना सी आउट की तो देखें जिशान डॉट हम टोट ह्यूमन टोटल, तो ह्यूमन टोटल में जाएगा और उसके अंदर काउंट को क्या कर देगा डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसी के अंदर काउंट प्लस प्लस कर दूँ ना तो फिर मुझे इसको लाइन को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। किसी को समझ भी लगी या नहीं लगी पहले तो मुझे ये बताएं। अच्छा आप तो लेट आए हो, आपको तो आए हुए 10-15 मिनट हुए, ऊपर जो ह्यूमन लिखा उसका एच कैपिटल नहीं लिखा मैंने। नहीं ऐसी तो कोई गलती नहीं की मैंने, ये ह्यूमन जो है ये क्लास का नेम है, क्लास का नेम ह्यूमन ही है, बड़ा लिखा हुआ है मैंने, छोटा तो नहीं लिखा हुआ। देखो ना लिंकिंग का कोई एरर आ रहा है बार बार। समय लगी है किसी को या नहीं लगी, फिफ्टी है अभी तो ओके। मेरे हाल से तो मेरे को वाइट बोर्ड भी गिराना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले एल्गोरिथम करवाता हूँ फिर कोड को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले एक अकाउंट लिया जिसको हम लोगों ने जीरो से इनिशियलाइज करवा के ज़ीरो करवा दिया, ठीक है। और चूंकि मैंने स्टैटिक यूज़ करना था तो मैंने बोला स्टैटिक और काउंट इंट काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इस चीज़ की समझ लग गई है कि हमने किया क्या, पहले ये लाइन का मुझे बता दें सारे, शाबाश, थोड़ा जल्दी जल्दी। गुड हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने बोला कि स्टैटिक काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम नेक्स्ट काम का क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले के नाम से और ठीक है, याद रखिएगा हम ऊप के मेथड से कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हमें अपनी तरफ से करनी पड़ेंगी,
मैं जगह बचाने के लिए ब्रैकेट यहीं पे लगा रहा हूँ, ब्रैकेट नहीं लगा रहा, ठीक है। और मैं करता हूँ सी आउट फंक्शन रन एट काउंट टाइम्स, ठीक है। तो अगर काउंट की वैल्यू जीरो है तो लिखा आएगा फंक्शन रन एट जीरो टाइम्स। ये चीज़ क्लियर हुई है, ये लाइन क्लियर होगी है सबको, प्लीज़ ये बता दे मुझे। ओके, ये भी गुड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मुझे एक से दो बार या तीन बार करवाना है, तो अगर लेट सपोज देखें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट प्लस प्लस, ठीक है। तो जब पहली बार मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो आप लोगों को समय लगेगी। यहाँ से मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा मैंने ज़ीशान, यानी पहला ह्यूमन, दूसरा रखा सैफ, तीसरा रखा मैंने अमान, ठीक है। तो जब मैंने ज़ीशान के नाम से मतलब बनाया, मैंने किया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ज़ीशान को मैंने लिंक किया डिस्प्ले के फंक्शन के साथ, तो इसमें आंसर क्या लिखा हुआ आएगा, ज़ीरो आएगा। फिर जब मैं सैफ के वाले फंक्शन को लिंक करूंगा डिस्प्ले के फंक्शन के साथ, तो वो उसमें भी मसला आएगा क्योंकि फिर आंसर मेरा ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे कुछ ऐसा मेथड रखना है कि जो काउंट प्लस प्लस है वो इस फंक्शन के अंदर यूज़ ना हो, इस फंक्शन के बाहर कहीं इस्तेमाल हो। दैट इज़ अ रीज़न जो आप कोड के अंदर ये चीज़ देख रहे हो, जो लाइन देखते हो, ह्यूमन डबल कोटेड काउंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो वो काउंट की जो वैल्यू होती है वो उसको क्या करवा देता है, ज़ीरो के साथ और वन के साथ। और अगर हम लोग ये काम ना करें तो ऊपर कंस्ट्रक्टर लगाया हुआ हमने काउंट प्लस प्लस का, ठीक है, तो वो भी इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अभी मुझे पता आपको इस लाइन की समझ नहीं लगी होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये मैं लाइन पहले यहाँ से कॉपी करता हूँ, वाइट बोर्ड पर लेके जाता हूँ। ये मेरी लाइन थी, हमने बोला कि ह्यूमन की क्लास के साथ काउंट को क्या करो, ज़ीरो को डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। ज़ीरो के साथ था, पहली बार जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो काउंट क्या था मेरा, प्लस प्लस हो गया। और फिर यहाँ पर काउंटर की वैल्यू, काउंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे प्लस प्लस था तो ज़ीरो प्लस वन कितना हो गया मेरे पास, वन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं सैफ के साथ लिंक करवाता हूँ डिस्प्ले के फंक्शन को, तो पहले काउंट की वैल्यू क्या थी, वन थी, तो अब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस करने से, टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, टू लिखा आएगा। फिर मैं अगर अमान के फंक्शन को, बेसिकली इस तरह होता है ज़ीशान डॉट जो मेरा फंक्शन का नेम होता है डिस्प्ले, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो फंक्शन डिस्प्ले का है इसके पास जाता है, काउंट प्लस प्लस कर देता है और साथ आंसर लिख देता है काउंट ज़ीरो। लेकिन जब हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट जो हम लोग करा रहे हैं कंस्ट्रक्टर जो चला रहे हैं, कंस्ट्रक्टर क्या है जी, काउंट प्लस प्लस, ये बेसिकली जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो वो क्या करता है, पहली बार ज़ीरो, फिर दूसरी बार वन, फिर ज़ीरो, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, मतलब जितने ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे और उसको फंक्शन के साथ लिंक कराते जाएंगे तो फंक्शन के आउटपुट के अंदर वो उतनी बार आएगा कि जी ये चीज़ इतनी बार जो है वो रन हो रही है। अब चीज़ क्लियर हुई है कि चीज़ क्या चीज़ है, थोड़ा जल्दी टाइप कर दें प्लीज़, अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। ऑल दो आप लोगों को इससे रेलिवेंट में वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे आप उसको। मुकद्दस को समझ आइए, सही आ रही है, फिजा को आ रही है, असल में कंपाइलर रन ही ना हो रहा वरना मैं इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, हम लोगों ने एक क्लास बनाई ह्यूमन के नाम से, उसके अंदर एक वेरिएबल स्टैटिक नाम के से इनिशियलाइज़ करवाया, फिर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने बोल दिया कि काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, वाइड ह्यूमन टोटल यानी टोटल ह्यूमन कितने, उसका एक फंक्शन बनाया, हमने बोला देयर आर काउंट की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा के साथ पीपल इन दिस प्रोग्राम, ये चीज़ होगी। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आके हम लोगों ने क्या किया, हमने बोला कि ह्यूमन के साथ जो काउंट लिंक हो रहा है उसको सबसे पहले ज़ीरो ही रखना है, ठीक है।
तो पहली जो वैल्यू होगी हमारी वो ज़ीरो आएगी। फिर हम लोगों ने बोला कि सी आउट क्या करवाओ, ह्यूमन डॉटेड काउंट, तो पहली बार आंसर क्या आएगा, ज़ीरो लिखा हुआ आएगा। फिर मैंने चार ऑब्जेक्ट्स बनाए ह्यूमन के साथ लिंक करके, एक जिशान, एक सैफ, एक राशिद, एक अफजाल। अब मैंने क्या किया, जिशान को ह्यूमन टोटल के साथ किया, ह्यूमन टोटल की तरह यहाँ पर है, ठीक है। कंपाइलर जाएगा ह्यूमन टोटल के ऊपर, बोलेगा देयर आर, काउंट की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो, लेकिन उसके बाद क्या हो गया था, क्योंकि काउंटर प्लस प्लस था ना, प्लस प्लस था ना, ये देखो ये ऊपर हमने क्या बोला था कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, काउंट प्लस प्लस, तो जीरो के अंदर वन प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा वन। फिर दूसरी बार मैं क्या करूँगा, राशिद डॉट ह्यूमन टोटल करूँगा, तो काउंटर प्लस काउंट प्लस प्लस जो होगा वो क्या कर देगा, वन को टू कर देगा, क्योंकि वन प्लस वन क्या होता है, टू होता है, तो यहाँ पे टू लिखा हुआ आएगा, फिर थ्री, फिर फोर, ठीक है। तो इस तरह हमारे प्रोग्राम में लिखा आएगा कि दे आर वन, फिर टू, फिर थ्री और फिर फोर लोग जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हैं। अब चीज़ की समझ लगी, ये चीज़ कैसे हो रही है, मतलब जितनी बार फंक्शन कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ना, ये वो चीज़ बताई हुई है, प्लीज़ मुझे बताएं। जी जी प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक, गुड हो गया, ठीक है। इसके बाद ये था कि हम लोगों ने स्टैटिक वेरिएबल की तो बात कर ली, स्टैटिक वेरिएबल की जगह अगर हम लोगों को स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना हो, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। आप सिर्फ इस स्लाइड को देखें, मैं ज़रा फुल स्क्रीन में करता हूँ, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको सारी चीज़ों की समझ लग जाएगी। ये देखें, सारा प्रोग्राम वैसे का वैसा ही है, मैंने सिर्फ क्या किया, जो ह्यूमन काउंट का जो मैंने बनाया था, क्या कहते हैं, फंक्शन बनाया था मैंने, उसके साथ जो है स्टैटिक लिख दिया, मतलब स्टैटिक वाइड ह्यूमन काउंट लिख दिया, तो वो क्या करेगा, फंक्शन को भी जो है वो बार बार जो है वो बता सकेगा कि जो ह्यूमन काउंट का फंक्शन है उस प्रोग्राम में इतनी बार इस्तेमाल हुआ है। जब ये चीज़ होगी तो ये जो ह्यूमन टोटल वाला फंक्शन है ये चलना बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने स्टैटिक लिख दिया तो वो स्टैटिक को ही चलाएगा। इन अदर वर्ड्स अगर आपको मैं बात बोलूँ तो ये बेसिकली इसी चीज़ का है कि एक वेरिएबल कितनी बार प्रोग्राम में इस्तेमाल हुआ, स्टैटिक वेरिएबल था वो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या था, अगर किसी फंक्शन के साथ हम स्टैटिक लिख देते हैं, उसके अंदर लिखते हैं देयर आर और इतना ह्यूमन काउंट, और ह्यूमन काउंट क्या था, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की वजह से प्लस प्लस हो रहा था, तो यहाँ पर वो उसको आंसर दे देगा। बाकी पूरा प्रोग्राम वैसे का वैसा ही है इसके अंदर। जी मुझे बताएं, आप लोग को स्टैटिक मेंबर फंक्शन की समझ लगी है, सिर्फ ये कि जो फंक्शन का नाम है हमने उसके साथ स्टैटिक लिख देना है, तो उसके अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको मतलब प्रिंट करवा देंगे, या काउंट प्लस प्लस का आंसर जो होगा प्रिंट करवाएंगे तो वो क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। देखो कूड़े वाला भी आ गया। जी आपको समझ लगी है, प्लीज़ मुझे बताएं। गुड, ठीक है। इसके बाद एक मिनट ठहरिएगा, जस्ट ऐसा करते हैं, दो मिनट की ब्रेक लेते हैं, जस्ट मैं पानी पी लूँ।